बात कर रहे हैं NHPC की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक हमको छोटे मोटे अपसाइड के साथ ट्रेड करता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 102.82 पैसे पर फिलहाल ट्रेड होता नज़र आ रहा है। रिजेक्शन लिया था, गिरावट आई थी, आपको याद होगा हमने 198 के लेवल को मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था। जब तक इस लेवल के ऊपर है 98 के ऊपर तब तक अपसाइड के चांस बने हुए, ऐसा हमने डिस्कस किया था। देख सकते हैं 101 की लेवल से यानी 100 के आसपास से स्टॉक ने सपोर्ट लिया, जंप आया। तो कहां तक का जंप स्टॉक ने दिखाया? ऑलमोस्ट 104 का लेवल जो कि इसका मेजर रेजिस्टेंस है। इससे पहले भी स्टॉक हमको इसी लेवल से रिजेक्शन फेस करता नज़र आया था। जब इस रेंज में ट्रेड हो रहा था आपको याद होगा हमने कहा था कि 104 के लेवल ब्रेकआउट होना इम्पॉर्टेंट है, इसके ब्रेकआउट के बाद लगातार तेज़ी दिखा सकता है। लगातार तेज़ी स्टॉक ने दिखाई भी थी लेकिन सेम लेवल से रिजेक्शन लेकर अगेन बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने के लिए मिली है। तो अब 104 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ तक का जंप स्टॉक दिखा रहा है। रिजेक्शन के बाद लोअर लो चार्ट पैटर्न स्टॉक ने दिखाया है, तो अब थोड़ा सा इंतज़ार करना है। अगर स्टॉक इस बाउंस बैक के साथ 104-105 का जो लेवल है इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे देता है, इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन हो जाता है, क्लोजिंग भी दे देता है, तो उसके बाद NHPC का खेल पलटते नज़र आ सकता है। अब स्टॉक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है, यहाँ से इसके खेल के पलटने के चांस बनेंगे। तो अब इमीडिएट टारगेट रहेगा 105 का लेवल, इसी लेवल पर अपनी नज़रें बनी रहेगी। अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो वैसे कंडीशन में फिर अगेन इसमें रिकवरी और तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। फिर नेक्स्ट टारगेट 108 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो 110, इसके ब्रेकआउट के बाद 112 और इस तेज़ी के साथ इस बाउंस बैक के साथ अगेन स्टॉक में हमको 120 तक का जंप देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ तक के टारगेट फिर NHPC दिखाता नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।